हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास टेन का जो चैप्टर टू है, नया कानून, जिसके राइटर हैं सादत हुसैन मंटू साहब, ये पार्ट थ्री वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देंगे। पार्ट टू वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें हमने रीडिंग खुलासे पार्ट को डिस्कस किया था और एक वीडियो में हमने मश्की सवालों जवाब को डिस्कस किया था, और ये तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी सबक से वाबस्ता, सबक से जो जुड़ी सवालों जवाब हो सकते हैं, इनसाइड क्वेश्चंस, उसको देखेंगे। सबसे पहला सवाल कहता है, मंगू कोचवान को अनपढ़ होने के बावजूद दुनिया भर की चीज़ों का इल्म क्यों था, या फिर कह सकते हैं कैसे था, दोनों बात एक ही है। तो इसका जवाब होगा, मंगू को दुनिया भर की चीज़ों का इल्म इसलिए था क्योंकि वो अपने तांगे में बैठने वाले सवारियों की बातें गौर से सुनता था, से आप यहाँ पे सही कर लेंगे, और उन्हीं बातों को याद करके वह दूसरे कोचवानों को सुनाता था। दूसरा सवाल है हमारा, अड्डे के कोचवान उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ क्यों करते थे, तो इसका जवाब होगा, अड्डे के कोचवान उस्ताद मंगू की बड़ाई इसलिए करते थे क्योंकि वह उन्हें दुनिया भर की ऐसी खबरें सुनाता था जो वह नहीं जानते थे। तीसरा सवाल है हमारा, उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से नफ़रत क्यों थी, यानी जो हमारे उस्ताद मंगू थे वह अंग्रेज़ों से नफ़रत क्यों करते थे, तो इसका जवाब देख लेते हैं। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़, इसको सही कर लेंगे आप, अंग्रेज़ों से इसलिए नफ़रत थी क्योंकि वह उसके साथ हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते थे और तरह तरह के जुल्म करते थे और उसके साथ कुत्तों जैसा सलूक करते थे, बर्ताव करते थे, इस वजह से वो उस्ताद मंगू अंग्रेज़ों पर खफा रहते थे। चौथा सवाल है हमारा, मंगू ने गामा चौधरी से क्या पेशीन गोई की थी, पेशीन गोई कहते हैं कि आगे की बात बताना, उसको कह देंगे पेशीन गोई, जैसे कहते हैं ना पंडित जी लोग जाते हैं हम लोग काम कराने तो कहते हैं कि आपके घर पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब आगे की बात बता देते हैं, उसको पेशीन गोई कहते हैं। इसका जवाब हम देख लेते हैं, मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की खबर सुनी थी और फिर गामा चौधरी से कहा था कि देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन की जंग छिड़ जाएगी। पांचवा सवाल है हमारा, गोरे के सुर्ख सफ़ेद चेहरे को देखकर मंगू क्या कहता था, सफ़ेद का मतलब होता है सफ़ेद, उजला, इसका जवाब देख लेते हैं। मंगू कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वह लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गिरकर झड़ रही हो, गिरकर, आप इसको सही कर लेंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस हो जाता है। छठा सवाल है हमारा, मंगू उस्ताद क्यों सोचता था कि नया कानून बने, इसका जवाब देख लेते हैं। मंगू सोचता था कि नया कानून बन जाएगा तो इन अंग्रेज़ों से निजात मिल जाएगी, इसलिए वह नया कानून बनने का ख्वाहिशमंद था। सातवां सवाल है हमारा, मंगू को किस तरह मालूम हुआ कि जदीद आईन नाफिज होने वाला है, जदीद आईन मतलब नया संविधान, इसका जवाब देख लेते हैं। दो मारवाड़ी कचहरी से उसके तांगे में घर जाने के लिए बैठे थे और वह आपस में ये बातें कर रहे थे कि जदीद आईन यानी इंडियन एक्ट 1 अप्रैल से नाफिज हो जाएगी, यानी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी लागू हो जाएगी, जिससे उनको आज़ादी मिल जाएगी, और उनके ज़रिए ये बात मंगू को भी मालूम हो गई, ये चल गया आप छोड़ देंगे, मालूम हो गई। आठवां सवाल है हमारा, मंगू के तांगे में बैठे हुए मारवाड़ी जदीद आइन के बारे में क्या कह रहे थे, तो इसका जवाब देख लेते हैं। तांगे में बैठे हुए मारवाड़ी जदीद आइन के बारे में कह रहे थे कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा, इसको आप सही कर लेंगे, और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। नौवां सवाल है हमारा,
मारवाड़ियों की गुफ्तगू सुनकर मंगू की क्या हालत हुई? तो इसका जवाब देख लेते हैं। मारवाड़ियों की बातें सुनकर मंगू के दिल में नाकाबिले बयां खुशी पैदा हुई, यानी ऐसी खुशी पैदा हुई जिसको हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। पहले वह अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था, लेकिन उस रोज़ घोड़े की पीठ पर बांगे ढीली करके उसने बड़े प्यार से कहा, चल बेटा, हवा से बातें करके दिखा। दसवां सवाल है हमारा, शाम को अड्डे पर मंगू को कोई जान पहचान का नहीं मिला तो उसकी क्या कैफियत थी? इसका जवाब देख लेते हैं। नए कानून की खबर सुनाने के लिए मंगू बेचैन था। जब शाम को अड्डे पर कोई जान पहचान का आदमी नहीं मिला तो उसके सीने में अनेक अजीबोगरीब तूफान बरपा हो गया। वो बहुत बड़ी खबर सुनाना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। ग्यारहवां सवाल है हमारा, नए कानून की खबर ने मंगू को कहाँ पहुँचा दिया? इसका जवाब देख लेते हैं। नए कानून के नफाज की खबर ने उसे एक नई दुनिया में पहुँचा दिया। वह इस नए कानून को, जो 1 अप्रैल से नाफिज होने वाला था, उसके बारे में अपने दिमाग की तमाम बत्तियों को रोशन करके गौर व फिक्र कर रहा था। 12वां सवाल है हमारा, नए कानून की खबर से मंगू के दिल को ठंडक क्यों पहुंची? तो इसका जवाब देख लेते हैं। मंगू कोचवान गोरों को सफ़ेद चूहा कहता था। उसका ख्याल था कि नए कानून के आते ही सफ़ेद चूहों की थथोनियां हमेशा के लिए ब्लों में गायब हो जाएंगी, इसलिए नए कानून की खबर से अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा था। 13वां सवाल है हमारा, नथो कोचवान को देखकर उस्ताद मंगू ने क्या किया? इसका जवाब देख लेते हैं। नथो कोचवान गंजा था। उसे देखकर मंगू ने कहा, ला हाथ इधर ला, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि जी खुश हो जाएगा और तेरी गंजी खोपड़ी में बाल उगाएंगे। 14वां सवाल है हमारा, मंगू ने इंडिया एक्ट को किसके साथ मिला दिया? तो इसका जवाब देख लेते हैं। उस्ताद मंगू ने सोवियत निज़ाम की सरगर्मियों से मुतालिक सुन रखा था। उसे वहाँ के नए कानून वार दूसरी नई चीज़ें इसको सही कर लेंगे और है नए कानून और दूसरी चीज़ें बहुत पसंद थी, इसलिए उसने इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन को रूस वाले बादशाह से मिला दिया। 15वां सवाल है हमारा, उस्ताद मंगू ने नए कानून को क्या समझ रहा था? उस्ताद मंगू नए कानून को क्या समझ रहा था? तो इसका जवाब देख लेते हैं। नए कानून से मुतालिक मंगू सवारियों की बातें सुनता था और सोचता था कि कोई बहुत चमकती हुई चीज़ है और कोई नई चीज़ और नए कानून से उसे बहुत सी उम्मीदें थी। 16वां सवाल है हमारा, मंगू की नज़रों के सामने घोड़े का नया साज क्यों आता था? इसका जवाब देख लेते हैं। मंगू जब नए कानून के मुतालिक से सोचता था, उसे लगता था कि नया कानून भी उसके, इसको सही कर लेंगे आप, उसके घोड़े के साज की तरह चमकता हुआ होगा दरख्शाओं। इसको आप नहीं लिखेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, चमकता हुआ रहेगा और उसके, ये दोनों सही कर लेंगे। 17वां सवाल है हमारा, 1 अप्रैल तक मंगू ने जदीद आइन के मुतालिक से क्या कुछ सुना? इसका जवाब देख लेते हैं। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू के तांगे में बैठने वाली सवारियां नए कानून या फिर कहें तो जदीद आइन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ कहती रहती, मगर नए कानून से जो तस्वूर मंगू के जहन में था वह बदल न सका। 18वां सवाल है हमारा, 1 अप्रैल की सुबह उस्ताद मंगू ने क्या किया? तो इसका जवाब देख लेते हैं। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर, यानी जो अस्तबल कहते हैं जहां पर घोड़ा वगैरह बांधा जाता है, अस्तबल में जाकर, इसको आप लोग सही कर लेंगे, अस्तबल में जाकर तांगे पर बैठा और बाहर निकल गया। आज वह नया कानून को देखने वाला था। 19वां सवाल है हमारा, घोड़े के सर पर जमी कुलगी क्यों नहीं नज़र आ रही थी और वह कितने की थी? तो इसका जवाब देख लेते हैं। 1 अप्रैल को सुबह खुले और तंग बाज़ारों में
कई चक्कर लगाए, लेकिन उसे आसमान की तरह हर चीज़ पुरानी नजर आई। आज उसकी निगाहें नया रंग देखना चाहती थी, लेकिन घोड़े के सर पर जमी हुई कुलगी के अलावा कोई चीज़ नई नज़र नहीं आई। यह कुलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदाबख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। 20वां सवाल है हमारा, उस्ताद मंगू को देखकर गोरे ने क्या किया? तो इसका जवाब देख लेते हैं। गोरा उस्ताद मंगू को पहचानता था और उसे पिछले साल का वाकया याद आ गया जब उसका झगड़ा हुआ था। वह अकड़कर उस्ताद मंगू की जानी बढ़ा और उसे तांगे से नीचे उतरने के लिए कहा और अपनी बेत की पालिश की हुई छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान से 2-3 मर्तबा छुआई। 21वां सवाल है हमारा, उस्ताद मंगू ने गोरे को क्यों पीटना शुरू किया? तो इसका जवाब देख लेते हैं। उस्ताद मंगू को भी पिछले साल का वाकया याद आ गया और इस बात को याद करके गोरे की ठुड्डी दाढ़ी कहते हैं, ठुड्डी पर एक घूंसा जमा दिया और उसे नीचे गिराकर धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। 22वां सवाल है हमारा, उस्ताद मंगू से पिटते हुए गोरे ने क्या महसूस किया? इसका जवाब देख लेते हैं। उस्ताद मंगू से पिटते हुए गोरे ने महसूस किया कि उस पर दीवानगी तारी है और उसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं, तो वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी एक तरीके से कहें तो उसके दिल में थोड़ा सा भी डर नहीं था उस्ताद मंगू के अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसी वजह से वो उसको पीट रहा था धनाधन, और उसके आँखों में कोई डर भी नहीं दिख रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तीसरा सवाल है हमारा, उस्ताद मंगू ने गोरे को पीटते हुए क्या कहा? उसका जवाब देख लेते हैं। गोरे की चीखों पुकार ने उस्ताद मंगू में जोश भर दिया। वह गोरे को पीट रहा था और साथ ही साथ ये कहता जा रहा था कि पहली अप्रैल को भी वही अकड़ फूं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा लोग। शुक्रिया।